अंतरराज्य वाहन चोरों का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार, चार बाइक के बरामद, अन्न की खोज जारी। जालौन की स्वाट टीम और उड़ई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर दो अंतरराज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जो बाइक को चुराकर दूसरे प्रदेशों में बेचते थे। पकड़े गए एक चोर पर 10,000 रुपए का इनाम भी था। कुर्खी थाना इलाके में कुछ दिन पहले एक बाइक चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस द्वारा आरोपी चंद्रभान को गिरफ्तार किया जा चुका है, तथा बाइक से ही जुड़े हुए एक अन्य मामले में सत्येंद्र कुमार दुबे, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम था, उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सत्येंद्र कुमार दुबे के पास से चोरी की चार बाइक बरामद हुई है, जिसके बारे में पुलिस द्वारा पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये बाइक किस राज्य या प्रदेश की है। जालौन से इरफान पठान की रिपोर्ट। आज दो खुलासे हुए हैं, एक थाना चुरखी से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसके संबंध में एक अभियोग पंजीकृत है 6 तारीख का। वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है, उसमें जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार हुआ, चंद्रभान जो चुरखी का रहने वाला है। एक मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई उसके पास, उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक अन्य खुलासे में चार चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हैं, जिनको कनेक्ट करने का प्रयास रेस्ना के दौरान किया जाएगा। इसमें सत्येंद्र कुमार दुबे जो अभियुक्त पकड़ा गया है, ये अभ्यस्त अपराधी है, अलग अलग जनपदों में अलग अलग जगह चोरियां करता रहा है, खास करके दोपहिया वाहन का अभ्यस्त अपराधी है। इसकी गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई है उस पर और महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं, जिस पर टीम्स काम कर रही हैं, और जो बरामद मोटरसाइकिल हैं उनके मिलान का प्रयास किया जा रहा है। इसमें एक मोटरसाइकिल के बारे में प्रारंभिक जानकारी है कि वो राजस्थान की चोरी प्रतीत हो रही है, तो इस प्रकार से उसका मिलान किया जाएगा। सर, कोई अपराधी पर इनाम भी? ये जो जिसके पास से चार मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, इस पर 10,000 रुपए का पुरस्कार घोषित था। स्वाट टीम को इनाम दिया गया सर? ये इनाम वितरित होगा स्वाट टीम में ही।